नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। APS एंटरटेनमेंट के बैनर तले आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम पगले आजम है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे आखिर पगले आजम क्या है। दरअसल अभी तक बहुत सारी आपने फिल्में देखी होगी, जैसे गोलमाल या और भी तरह किसी तरह की कॉमेडियन फिल्म आपने देखी होगी, लेकिन इन सब को मिलाकर नंबर वन कॉमेडियन फिल्म पगले आजम जो आज पूरे देश में यानी भारत देश में रिलीज हुई है, इस फिल्म में कुछ ऐसे किरदार हैं जिसको देखकर हंस हंस के लोटपोट जाएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर विकास कावथेकर हैं और प्रोड्यूसर आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी हैं। लगभग एक महीने फिल्म की शूटिंग चली है और शूटिंग का जो लोकेशन है वो मुंबई गुजरात लोनावाला में फिल्म की शूटिंग किया गया। एक खास बात ये है, इस फिल्म में प्रोड्यूसर आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी मेन लीड रोल भी किया है। उनके साथ मन्नत प्रोचा, सोनिया शर्मा, लिलीपुट फारूकी, रवि मान, अभिनय शर्मा, इनके साथ और भी लोगों ने फिल्म में काम किया है, मगर इनका रोल पूरे फिल्म में कुछ अहम रहा है। पगले आजम फिल्म मुंबई के सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है। जाने मन हैप्पी हार्डी को पीछे छोड़ दिया है पगले आजम जो फिल्म है, और इस फिल्म को लेकर जो है हमारे संवाददाता अनिल राजभर ने आज प्रीमियर शो के दौरान डायरेक्टर से तो बात की है, और उसके बाद प्रोड्यूसर आदित्य प्रताप सिंह जो रघुवंशी हैं वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और उनके साथ इस फिल्म में जो किरदार निभाए हैं उनसे भी बातचीत की है। हम जानते हैं अनिल राजभर ने क्या बातचीत की है। जो पगले आजम रिलीज़ हुई है ये मूवी फुल ऑन कॉमेडी है। इस फिल्म को आप देखने जाइए, आज ही रिलीज़ हुई है और इसके अंदर आप लोग बहुत हंसेंगे और ठहाके लगाएंगे। हर एक करेक्टर बहुत मज़ेदार है, खूबसूरत है, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इस मूवी को देख के। इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा करेक्टर इसमें बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग है। अगर मैं वन लाइन में बोलूँ तो शी इज़ काया और ओनली व्हाट शी वांट्स माया, तो इसको चाहिए बहुत सारी माया। नहीं, रिलीज़ मेरी ये फर्स्ट एज ए फर्स्ट मूवी हो रही है, लेकिन मैंने मूवी और भी दो की हुई है जिसका नाम है ज़िंदगी मुंबई, वो भी इसी साल रिलीज़ होने वाली है, और एक और मूवी है जो मैंने हिमाचल बेस्ड स्टोरी पे की है, वो भी बॉलीवुड मूवी है, बट वो हो सकता है इस साल के एंड में और मे बी नेक्स्ट ईयर वो रिलीज़ हो। सिक्वल डेफिनेटली बनेगा और ये डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर के ऊपर कि उनको ये सेम किरदार वापस से अपनी फिल्म में चाहिए नहीं चाहिए। और बीइंग ए आर्टिस्ट डेफिनेटली मैं फिल्म में चाहे वो इसका सिक्वल बने 1, 2, 3, 4 डेफिनेटली मैं उसका पार्ट रहना चाहूँगी। कमर्शियल, एंटरटेनमेंट, कॉमिक, फनी और मसाला, टोटल मसाला, धमाल, टोटल धमाल, गोलमाल, वेलकम, हेरा फेरी, एवरीथिंग इज वन मूवी। द कॉल्ड इज पगले आजम। पगले आजम सर, ये जो मूवी है ये मूवी में आपका क्या मतलब कैरेक्टर है, क्या रोल है, क्या आप इसमें प्ले कर रहे हैं वो थोड़ा हमारे दर्शक बताइए ना। मैं राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये मेरे दोनों दोस्त हैं, हम लोग सब तीनों एक साथ रहते हैं और हम लोग को बड़ी जल्दी है जल्दी फेमस होने की और जल्दी पैसा कमाने की, और उस पर हमने एक पूरा हास्य व्यंग बनाया है द सटायर ऑफ कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम समय में लंबी छलांग मारना चाहते हैं, उसके ऊपर एक हास्य व्यंग है, और उसी के चलते चलते हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं, गेम करते हैं, लेकिन हम अपनी ही बेवकूफ़ियों में फंस जाते हैं और वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वही कॉमेडी निकल के पूरी फिल्म में आती है और ये फिल्म आगे इसी तरीके से फ्लो होती जाती है। तो अगर इसको समझना है, इंटरटेनमेंट के साथ समझना है, कॉमेडी पंचज के साथ समझना है, हंसते हुए ठाके लगाते हुए अगर आपको जो है समझना है तो आप ज़रूर आइए ये पगले आजम देखने के लिए। पगले आजम एक ऐसी मूवी है जिसमें मसाला भी है, इंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है, ये एक कंप्लीट पैकेज है और हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमको ढेर सारा प्यार देगी और हमने बहुत लगन से बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। हमारी टीम, हमारे एक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो एक्टर्स की रही हो या प्रोडक्शन की रही हो या डायरेक्टर की रही हो, हर एक शख्स जो है पूरे दिलो जान से इस फिल्म को बनाने के लिए लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक भी इनकी मेहनत का, इनके हार्डवर्क का जो है एक अच्छा इनाम दे, एक अच्छा रिवार्ड दे, मेरी बस यही गुजारिश है लोगों से। ये हमारी पगले आजम के साथ पहली मूवी है और हम हर साल एक बेहतरीन मूवी लेके आते रहेंगे, एक बेहतरीन कलाकारों के साथ आते रहेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से जनता के सामने कि हमें पूरा यकीन है कि इस फिल्म में हमें बेइंतहा मोहब्बत जनता हमको देगी, तो हम उनसे ये वादा करना चाहते हैं कि हम अगली फिल्म पगले आजम रिलोडेड जल्दी लेके सिनेमाघरों में आएंगे, उस पर काम चालू है और 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग फ्लोर में जा रहे हैं, हमारी कास्ट पूरी रिपीट होगी और कुछ नई कास्ट जुड़ेगी और इस बार तो बिल्कुल कॉमेडी का ब्लास्ट होगा। क्यों, क्या कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा इस पर काम कर सके और ज़्यादा
उसको और कॉमिक बनाए, मतलब लोग बस देखे और वहाँ बैठ के सिर्फ हंसते रहे, देखते रहे और इंजॉय करते रहे। मेरा कैरेक्टर इसमें उद्देश्य का कैरेक्टर है, मतलब मेरे कैरेक्टर नाम उद्देश्य है, बहुत इनोसेंट स्वीट गाय है। और इन दोनों के जैसे ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, इनोसेंट है वो अपने नेचर में और वैसे, लेकिन इन दोनों के पीछे पड़ा रहता है कुछ ना कुछ, उसको परेशानी करनी रहती है। मतलब इनका नाम उद्देश्य है, उद्देश्य इज़ अ मिशन, टारगेट होता है एक, और इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक्चुअल में एक ऐसा इनका करेक्टर है कि ये कुछ भी काम कर ले, कुछ भी काम करने का रेडी है। मेरा अभी नाम का किरदार है और वो किरदार है कि वो एक बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता है, स्टार बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है, बट अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है उसके साथ। तो वो फिर मुंबई में आता है अपने सपने पूरे करने, फिर इन लोगों से मिलता है जो जिनमें से एक उद्देश्य है, एक राहुल है। तो दोनों के साथ जब मिलता है, आगे जब स्टोरी आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे इन तीनों की केमिस्ट्री बनती है और साथ में ही ये लोग जो उनके लाइफ में जो उठापटक चल रही है उसके साथ ही इन लोग का साथ ही साथ लड़की पटाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं एक जवान आदमी के लाइफ में, तो उसको फ़नी तरीके से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। और इसका जो इस फिल्म का सबसे बड़ा जो बेस्ट पार्ट है कि हम तीनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तीनों अपने आप को बिल्कुल मास्टर गेम प्लानर समझते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये पता नहीं चलता कि कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है, किसका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, और तीनों ही सोचते हैं कि हम लोग बहुत होशियार हैं और अलग अलग एक प्लानिंग करते हैं, लेकिन लास्ट में तीनों की प्लानिंग एक होती है और उसमें तमाशा हो जाता है। और गाने बहुत खूबसूरत हैं, दो गाने हम लोगों ने दिए हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक तड़कता भड़कता, एक कहा जाए जोकरो भला और पगले आजम जैसा, पगले आजम टाइटल है वैसा, पगले आजम टाइप वाला एक गाना है। उसका जो रोमांटिक सॉन्ग है उसको असित त्रिपाठी ने गाया है, जो तू बन जा गली बनारस की शादी में जरूर, वो गाना गाया था, और पुनीत दीक्षित ने म्यूज़िक दिया हुआ है। दोनों गाने का म्यूज़िक पुनीत दीक्षित ने दिया हुआ है, और उसका एक बोल है जो हमारे पगले आजम के टाइटल का, तो थोड़ा सा हम लोग गुनगुनाना चाहेंगे। हाँ, तो वो क्या था, है कुछ याद? हाँ बिल्कुल याद है। क्या था? बनके फिरते हो जैसे मुगले आजम, अपनी मनमानी करते पगले आजम। जी, इसमें मैं इशिता का रोल प्ले कर रही हूँ, जो एक डॉन की बेटी है, उसका रोल मैं प्ले कर रही हूँ इसमें। देखिए, आप सभी इस मूवी को जाइए देखने, ये इस मूवी में बहुत फन है, बहुत कॉमेडी है, आप सब लोग इस मूवी को बहुत इंजॉय करोगे। अपनी फैमिली को लेके जाइए, अपने दोस्तों को लेके जाइए, अपने रिश्तेदारों को लेके जाइए, और ये मूवी दो दो बार आप लोग देखिए। जी जी, ये मूवी आप फुल फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते हो। ये आप एक्चुअली ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। अगर आप हंसना चाहते हो अपनी फैमिली को और हंसाना चाहते हो, तो ये मूवी अपनी फैमिली के साथ ही देखिए। 100% कॉमेडी मूवी है, बहुत मज़ा है फिल्म में सबसे बड़ी बात, और फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो जो भी देखेगा मज़ा एंजॉय करके जाएगा। सबसे बड़ी बात फिल्म है कि तीन दोस्तों की कहानी है, तीन दोस्त जो अपने एक ड्रीम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जेब से कड़के हैं, कुछ है नहीं पैसा वैसा, बट वही चीज़ है उनकी लाइफ में कि हमको कुछ करना है। तो एक बार इनके चाचा आते हैं इनकी लाइफ में कि हाँ बाबा, और चाचा आके हंगामा मचा देते हैं जिससे ये पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो चाचा की लाइफ के साथ इनकी एक कहानी शुरू होती है, चाचा की कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं इनको कि भाई एक लड़की को पटाओ जो अमीर घर की लड़की हो, जो है वो है, वो उसी ड्रीम में चले जाते हैं। एक्शन नहीं, फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है फिल्म, और जो भी आएगा मज़ा लेगा इस फिल्म का, ये गारंटी है। एक्शन मैंने कुछ रखा नहीं, जो भी अपनी रियलिस्टिक है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। सर, ये मूवी फुल एंटरटेनमेंट है, तो इसका सीक्वल इन फ्यूचर आप बनाना चाहेंगे? डेफिनेटली इसका सीक्वल आएगा, पगले आजम रीलोडेड करके इसका सीक्वल, और हम लोग जल्दी उस पर काम शुरू करना चाह रहे हैं। और 100% इसमें जो अभी एक बड़े आर्टिस्ट आएंगे उसका भी एक अलग मज़ा है, जो इस फिल्म में प्रॉपर निगेटिव रोल करेंगे और जिनका एक अच्छा मार्केट है वो है, वो इन तीनों के साथ जुड़ेंगे अभी नेक्स्ट फिल्म में। नहीं, ये मेरी थर्ड मूवी है, इससे पहले मेरी एक फिल्म हाई प्रोफाइल करके जो आ चुकी थी, उसके बाद टाइगर श्रॉफ को मैंने डायरेक्ट किया था, जो ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन वीडियो, जो मेरा अच्छा नामचीन हुआ था। उसके बाद मेरे टाइगर श्रॉफ इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात आज भी वो हमारे लिए वहाँ से विश कर रहे हैं। वो कल ही उनकी बागी 3 का शूट ख़त्म हो गया, आज ही सुबह उनका मैसेज और फ़ोन आए थे, और उन्होंने बहुत बड़ी विशेष दी फिल्म के लिए। और थर्ड मेरी ये पगले आजम है, और इसके बाद मेरी लव का एग्रीमेंट करके एक फिल्म शुरू हो रही है, जिसके मेरे प्रोड्यूसर है सोनी सर, जो हीरो है अमरजीत सोनी करके, वो लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म में प्रॉपर। और नेक्स्ट फिल्म मेरी आएगी गलती से मिस्टेक हो गई, जो एक टेंटेटिव टाइटल लेके हम लोग चल रहे हैं, वो भी एक कॉमेडी ही फिल्म है, थ्रिलर कॉमेडी, ऐसा मेरा एक कॉम्बिनेशन करके एक फिल्म चल रही है। आदित्य और मैं, हम 8 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी है, हम दोनों भी उस तरह
तो मैं ऑलमोस्ट मैं डायरेक्टर बन चुका था उस टाइम से, हमारी एक अच्छी दोस्ती है और हमने तभी सोच रखा था कि नहीं हम कभी भी फिल्म बनाएंगे तो साथ में ही करेंगे वो चीज़। एज ए एक्टर उनको भी लॉन्च होना था, एज अ प्रोड्यूसर इन्होंने सबसे बड़ी बात आदित्य की यह है कि ये यहाँ तक पहुँचाना फिल्म को, एक छोटी फिल्म को यहाँ तक पहुँचाना वो बहुत बड़ी बात होती है, वो उन्होंने पहुँचा दिया, इसके लिए जिगर चाहिए और उन्होंने किया और हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। और सबसे बड़ी बात है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये देता हूँ आदित्य प्रताप सिंह को। तो आप पगले आजम के कलाकारों की बात सुन रहे थे, फिल्म में किस तरह की किरदार हैं, कॉमेडी से भरा ये पूरा जो है फिल्म है और इसमें मसाले भी हैं, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।